आज इस विषय पे आज ग्राम माता के पुरा में निषाद समाज की मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें जिला मुरैना, तहसील मुरैना, तहसील अम्बा, तहसील दिमनी, सभी गांवों के लोग इकट्ठे हुए। इसमें समाज सुधार का निर्णय लिया गया और सभी समाज वालों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि सभी एकता बनाए और सभी लोग एक रहें, ऐसी मेरी आशा है और मेरा निवेदन है। दूसरा ले लो किसी दूसरे। आज आज जो मीटिंग हुई है इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आप बोलिए बोलिए। हाँ, कहना चाहते हैं कि ये जैसे मीटिंग लगी हुई है तो इसका जो है सभी लोग से इसका सुधार होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। आप समर्थन करते हैं? देखा है इस बात में सभी लोग यहाँ पर जुड़े हैं तो ये इसी के लिए, जो सुधार के लिए ही जुड़े हुए हैं। और जैसे जो है बजरंग और वो बाहर से आए हुए हैं तो ये समाज के बारे में आए हुए हैं जो सुधार के लिए। धन्यवाद। आप आज की मीटिंग पर कुछ विचार रखे हैं? हाँ, आज की मीटिंग यहाँ के निवासियों को मैं बधाई देता हूँ कि इस संभाग में ये पहली मीटिंग है जिनने रूढ़िवादिता और बुजुर्ग खर्ची को लेकर ये मीटिंग आयोजन किया। ये इससे दूरदर्शी परिणाम निकलेंगे, ये बहुत अच्छे विचार हैं जिसमें लोग लाखों रुपया अपना कर्ज लेकर बस खर्च करते थे, उस पर रोक लगेगी। नशाबंदी को ने एक मुद्दा बनाया है, वो भी एक अच्छा सिस्टम है जिससे इस नशे के लिए पड़ के आदमी अपने परिवार को नष्ट कर देता है, अपने शरीर को नष्ट कर लेता है, उसमें समझ आएगी और निश्चित ही इस नशा मुक्ति का उनका रोक लगेगी। इसमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका जो आज की मीटिंग है उस पर क्या विचार है और आप क्या बताना चाहेंगे? आज की जो हमारी मीटिंग हुई है वो एक पहली मीटिंग नहीं है, हम पूरे मध्य प्रदेश में जन जागरण कर रहे हैं। जो मांझी समाज के साथ जो पार्टियां छलावा कर रही हैं, जो हमारे नवयुवाओं के हक और अधिकार को छीनना चाहते हैं, उन अधिकारों को दिलाने के लिए हम पूरे मध्य प्रदेश में कस्बे में जाकर के गांव-गांव में जाकर के समाज को जागृत करेंगे और अपना हक अधिकार लेकर आएंगे। इसके लिए हम मीटिंग कर रहे हैं। कुरीतियां हमारी बाद में हैं लेकिन पहले हमारे जो समाज के हकों को जो लोग मार रहे हैं उनको हक दिलाने के लिए हम जागरण के लिए लगे हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपका राजनीतिक अस्तित्व बनाने की कवायद है? नहीं, हमारा जी मतलब है कि हमारा समाज जो पिछड़ गया है राजनीति से, धर्म नीति से, ज्ञान नीति से, जो हर अर्थ नीति से जो पिछड़ता जा रहा है वो हमारा हक बैठता है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए, उस हिस्सेदारी के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ पूरे मध्य प्रदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आए इधर चकड़े से मैं आगरा से निकला मानव संदेश बाबा बालक दास निषाद और माता के पुरा में आज मध्य प्रदेश में आया हूँ और अपने समाज के लोगों से और राजनीति के बारे में और कुरीतियों के बारे में जरा दो बात पूछना चाहता हूँ। सब नाम आपका बाबूजी? मेरा नाम लाल सिंह केवट है और मैं मांझी जनजाति विकास संस्था का संभागीय अध्यक्ष हूँ और हम सभी भाई मिलके पूरे समाज के लोग पूरे मध्य प्रदेश में घर घर जाएंगे और सभी को लेके चलेंगे और सब मध्य प्रदेश में पूरी एकता करेंगे अपन जी, मेरा ख्याल है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो एंड कर दो, एंड कर दो। बंद कर दिया सब? नहीं अभी नहीं, क्या नहीं? किसी और का ले लो। चलो आपका शुभ नाम? जगन्नाथ। जरा जोर से बोलो, जोर नाम बताओ। मेरा नाम जगन्नाथ है। अच्छा, आपका गांव कौन सा है? गांव समाकापुरा है। ये कहाँ पड़ता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सबलगढ़ में पड़ता है। सबलगढ़ में? जिला? जिला मुरैना। अच्छा, आप अपनी बात बताएं, रखें आज समाज के बीच में यहाँ आए, अपने समाज के बारे में आए हैं इस गांव में। आज मातापुरा में हम बड़ी धूमधाम से जुट करके आए हैं और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना संगठन बनाना चाहते हैं। मांझी समाज में भी आगे लड़ाई लड़ेंगे, लड़के आगे और लड़ेंगे और अपने निषाद राज महाराज की मूर्ति को हर गांव में हर शहर में मूर्ति बना बना करके नाएं, उनकी मूर्ति की प्रचार करेंगे। बाबा आपका शुभ नाम? राम स्वरूप। राम स्वरूप, चलो आपके विचार।
बचा रखो, आपके बचा रखो सही है, बच्चों को पढ़ावे और जो कुछ आपने प्रतिज्ञा करी है उसका पालन करे। दाल बीज मतलब थोड़ा चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।